आर्मी फौजी भाई को रिहा करो, फौजी भाई को रिहा करो। आर्मी को घसीट घसीट के दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? बच्चे सुबह जब 4 बजे आपका पसीना नहीं निकलता होगा और यहाँ पे उस पसीने से पूरा ट्रैक को भिंजा देते हैं, उनका शर्ट ऐसे गाड़ दीजिएगा, टी शर्ट गाड़ दीजिएगा तो पूरा एकदम एक ग्लास पानी पसीना निकल जाएगा। कि बिहार पुलिस की घर की नौकरी होती है, ठीक है, तो ईगो ज़्यादा हो जाता है और बहुत लोगों का ऊपर से हाथ भी रहता है। सस्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी एक आदमी की आवाज़ नहीं है, ये पूरे बिहार की आवाज़ है और पूरे भारतीय सेना की आवाज़ है और पूरे भारत की आवाज़ है, ठीक है। वो लड़ने के लिए पक्का झूल जाएगा, उसको दांते काट लेगा, बाल पकड़ के खींच देगा, लेकिन ये करेगा क्यों? क्योंकि उसके बात ईगो पे आ रही है। पप्पू यादव जी को कहना चाहेंगे, चाहे चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव युवा के सबसे अच्छे नेता हैं, कहते हैं कि अभी हमको हड़बड़ी नहीं है सीएम बनने का, तो एक बार चले जाएं, थोड़ा सा देख ले जाएं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, आज हमारे पीछे आप ये देख सकते होंगे एक भीड़ जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा। दरअसल ये भीड़ नहीं है, ये आर्मी एयरफोर्स और डिफेंस की तैयारी करने वाले हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो कि लगातार अपनी प्रतिभा को और दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे चनक्या फिजिकल ट्रेनिंग के सुजीत सर हैं, आइए इनसे मिलते हैं। सर, कैसे हैं? जय माता की, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एकेडमी में आपका। काफी अभी बच्चे थोड़ा कम दिख रहे हैं, इसका कारण? कारण ऐसा है कि शाम का टाइम भी है और थोड़ा सा बच्चे का, जब से ये आर्मी का मोटिव था ना अग्निवीर वाला, तब से थोड़ा सा बच्चों का जो मोटिव है ना वो थोड़ा गिर चुका है, लेकिन तभी बच्चे जिनको जाना है वो आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कुछ होली का भी, फेस्टिवल का भी? हाँ, फेस्टिवल का भी असर है कि बच्चे थोड़ा सा कम है अभी। यहाँ पे आपसे बात करने, ऐसे तो मैं देखता ही रहता हूँ आपकी पूरी ट्रेनिंग जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे, तो लेकिन अभी जो मेन बात करने का जो मुद्दा है वो ये है कि आप आर्मी और एयरफोर्स जितने भी तरह के ट्रेनिंग होते हैं वो आप देते हैं, लेकिन आपके ही राज्य में आर्मी को घसीट घसीट के दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारे बिहार के लिए बहुत ही निंदनीय बात रही है कि भारतीय सेना के जवान को बिहार पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये पीटा जाना नहीं चाहिए था। देखिए, अगर आप उस पर कोई भी आरोप लगाकर उसको जेल में बंद करना चाहते हैं, ठीक है, आप बंद कीजिए। हालांकि वो भी एक हमारे देश का जवान है और सरहद पर बेचारा -52 डिग्री -57 डिग्री पर भी वो रह कर हमारे देश को सुरक्षित रख रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो बता रहा है कि आर्मी में है, उसके बाद जान के तो कम से कम रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आप क्राइम किए हैं या अथवा ना किए हो, आपको पब्लिकली मारने का कोई भी अलाउ नहीं है। आप नॉर्मल आदमी को, कोई टेररिस्ट तो वो नहीं ना था कि आप पब्लिकली मार के घसीट के लेके जा रहे थे, कोई बहुत बड़ा कुख्यात आप आरोपी तो नहीं था कि आप उसको घसीट कर लेके जा रहे थे। ये सरासर गलत रही है बिहार पुलिस की तरफ से। तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा संज्ञान में लेके हमारे आला अधिकारी जितने भी है, ठीक है, माननीय DGP महोदय से भी आग्रह करूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा संज्ञान में लिया जाए और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, हमारे इंडियन आर्मी के जवान को, और तत्कालीन कार्रवाई भी जाए हमारे जो दरोगा और कांस्टेबल जिन्होंने हाथ उठाया है। अभी लगातार वहाँ पे मोतिहारी में धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे हुए हैं, मीडिया वाले भी बैठे हुए हैं कि उनको रिहा करवा, पास से 7 दिन 8 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या आगे हो सकता है? उनको जल्द से जल्द छोड़वाया जाए। उनको छुड़वाने के लिए तो लोग वहाँ बैठे हुए हैं लेकिन नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आगे का क्या रणनीति है? वहाँ पे रिटायर आर्मी वाले भी वहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, आप लोग का क्या उसमें सहयोग है, क्या योगदान दे रहे हैं उनको छुड़वाने के लिए? मैं साथ में हूँ, हम लोग साथ में, बिल्कुल। किस तरह से आप लोग मतलब आवाज़ उठा रहे हैं सर? हम लोग आवाज़, देखिए, अभी तो खैर आप लोग के थ्रू हमारे साथ चल रहा है कि भाई कैंपियन चलेगा, एक ट्विटर पे भी हम लोग ट्वीट करेंगे, ठीक है, ताकि पूरे देश को पता चले और इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि जब तक हमारे नेता मंत्री संज्ञान में नहीं लेंगे इस चीज़ पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो इस तरह से होता रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी के साथ भी अगर ऐसा है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो फिर ये कैंपेन आगे, वैसे भी आंदोलन आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो दिन प्रतिदिन दिख रहा है। हाँ, वैसे पहले बहुत सारे पत्रकार लोग धरने पर बैठे थे, अब रिटायर्ड आर्मी वाले लोग भी आ चुके हैं, तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बहुत आगे की तरफ उठा दी जाएगी। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जितने भी आला अधिकारी हैं, उससे पहले कुछ ना हो, उससे पहले कि आप इसको संज्ञान में लेकर इसको तत्कालीन कार्रवाई की जाए। नेता मंत्री जो हैं वो बिल्कुल चुप हैं इस पे, वहाँ के अभी विधायक का एक नोटिस आया भी है, अभी आजकल की बात है, लेकिन एकदम सारे नेता मंत्री बिल्कुल शांत हैं इन सब मुद्दों पे। एक्चुअली नेता मंत्री को फील पता नहीं ना चल पाता है कभी, नेता मंत्री बाई ग्राउंड आए, ग्राउंड पे 4 बजे सुबह उठ के उनको जब आना पड़ेगा और पता चलेगा कि बच्चे सुबह जब 4 बजे आपका पसीना नहीं निकलता होगा और यहाँ पे उस पसीने से पूरा ट्रैक को भिंजा देते हैं, उनका शर्ट ऐसे गाड़ दीजिएगा, टी शर्ट गाड़ दीजिएगा तो पूरा एकदम
एक गिलास पानी पसीना निकल जाएगा तो वो फ्री का नहीं ना आता है। नेता मंत्री का विधायक आज तक का बेटा कभी गया है फौज में? किसान का बेटा जाता है फौज में और वही रक्षा करता है। अगर भारत देश में किसान ना हो, जवान ना हो ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। बिहार पुलिस पे क्या कहेंगे? बिहार पुलिस का बहुत जगह रौद्र रूप देखने को मिलता है। जहाँ काम करना चाहिए वहाँ उनकी मतलब अनुपस्थिति दिखती है या वहाँ पे सुस्त दिखते हैं, लेकिन ऐसे जगह पे उनका देखिएगा तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम घसीटना, पकड़ के ले जाना, इन सब पे क्या कहेंगे बिहार पुलिस पे? ये थोड़ा सा ईगो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बिहार पुलिस की घर की नौकरी होती है, ठीक है, तो ईगो ज़्यादा हो जाता है और बहुत लोगों का ऊपर से हाथ भी रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा है कि वो जो कांस्टेबल या जो भी एसआई थे, मैं नहीं जान रहा हूँ कौन थे वो, तो उन लोगों को क्या हो सकता है उनके साथ आगे? आगे देखिए, आप लोग इस चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो क्या लगता है आपको? मजबूरन उनको सस्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी एक आदमी की आवाज़ नहीं है, ये पूरे बिहार की आवाज़ है और पूरे भारतीय सेना की आवाज़ है और पूरे भारत की आवाज़ है, ठीक है। हालांकि बताइए, एक महीने ही शादी के हुए थे और इतना सारा कांड हो गया, किसी के भी लाइफ में, साथ में ससुर जी भी हैं, ससुर जी है, वाइफ है, साली लोग हैं उनकी। अब बताइए, किसी के फैमिली, आप हो या हम या फिर यहाँ पे अदरवाइज कोई भी हो, एक छोटे से बच्चे के सामने अगर उसकी माँ को अगर कोई मार दे तो उसके दम शरीर में दम हो या ना हो, ठीक है, वो लड़ने के लिए पक्का झूल जाएगा, उसको दांते काट लेगा, बाल पकड़ के खींच देगा, लेकिन ये करेगा क्यों? क्योंकि उसके बात ईगो पे आ रही है। तो जब किसी के ईगो पे बात आती है, मानते हैं आर्मी के जवान है और उनके अंदर उतनी तो उत्तेजना रहनी चाहिए भाई, गर्मी रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो कानून को हाथ में नहीं लिए, नहीं तो जिस तरह का वो कांस्टेबल या जो एसआई थे वहाँ पे, हाँ। चाहते तो वो भी उनको उलट के मार सकते थे। देखिए, वो उन्होंने सबसे बड़ी, सबसे तहदिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ फौजी भाई का, कि उन्होंने वर्दी का बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्ट करा है उस टाइम पे, कि आप वर्दी में है तो हम हाथ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर वो बंदा भी वर्दी में रहता तो हाथ नहीं उठा सकते थे वो भी, ठीक है। बात वर्दी की थी और उन्होंने वर्दी का इज्जत किया और उसको उसका रिस्पेक्ट दिखाया कि हाँ, मैं वर्दी का इज्जत करता हूँ, लेकिन क्या काहे के लिए बिहार पुलिस सुनने जाए, भारतीय सेना को ऐसे ही बेवजह का पीट दे रहे हैं। तू हो रहा है पूरे राज्य में, ये बहुत ही निंदनीय है, क्या कहा जा सकता है, हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। और अभी तक 7-8 दिन हो गए हैं, अभी तक मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आया कि हाँ, इस दिन छोड़ दिया जाएगा या आगे क्या किया जाएगा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कि समझ रहे हैं जो अभी जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, 7 दिनों से तो देख रहे हैं, बिहार का दुर्भाग्य है कि... सर अपना पहले नाम बताते हैं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नीरज कुमार है और बिहार एसआई का तैयारी करते हैं, हालांकि एसआई के द्वारा ही ऐसा किया गया है। जितेंद्र कुमार, अभी आपकी पोस्टिंग थी, ठीक है, डीजीपी के द्वारा, उसका सम्मान करते हैं और किसी पे भी हाथ उठाने से पहले उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। और वो तो हमारे सम्माननीय जो है सो आर्मी मैन था और वो भी फैमिली के साथ जा रहा था, अगर गाड़ी उनका टच भी हो गया किसी कारण से तो इस तरह से तो होना ही, कानूनी कार्रवाई करते ना वहाँ पे जो चीज। हाँ बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई, उनको फैमिली के छोड़ के आते, उसके बाद देखते। हालांकि हम यहाँ तक देख रहे हैं कि बिहार का गृह मंत्रालय अभी तक क्यों नहीं देख रहा है। और जो मैंने उस सर से भी पूछा कि जो पूरा डिपार्टमेंट है वो इस पर कुछ संज्ञान ले रहा है, जो नेता मंत्री जो कोई बात पे भी उठ के खड़े हो जाते हैं वो लोग भी बिल्कुल शांत हैं, एक आवाज भी नहीं उठा। अब तो ये तो अभी पप्पू यादव को कहना चाहेंगे, चाहे चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव युवा के सबसे अच्छे नेता हैं, कहते हैं कि अभी हमको हड़बड़ी नहीं है सीएम बनने का, तो एक बार चले जाएं थोड़ा सा देख ले जाके, और यहाँ के एसएसपी को बोले कि वो कमांडो जो उनका होता है बीएसएफ का, उनसे बात करें और जल्दी से जल्दी उनको रिहा करें, कोई मतलब ही नहीं बनता। और हमारे चीफ जस्टिस जो वर्तमान में है वो क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है और ये सवाल जायज भी। अब देखिए, 7-8 दिन तो हो गया है, कब उनको छोड़ा जाता है। बाकी तमाम यहाँ पे लोग खड़े हैं, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि ये लोग अपने कार्य में बिजी हैं, अपने ट्रेनिंग में बिजी हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहते होंगे तो खबर नहीं पहुँच पाती है। और जाते जाते इन लोगों को मैं चाहूँगा कि दिखा दिया जाए। और देखा आप लोगों ने कि किस तरह से इन लोगों में आक्रोश है कि जल्दी से जल्दी आर्मी फौजी भाई को रिहा करें, इस तरह का नारा लगाया जा रहा है। अब देखते हैं जैसे ही वो रिहा होते हैं, बाकी आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।